शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इनबीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वर्धामना में घर को लगी आग, 50,000 का सामान साथ ही पूरा घर जलकर खाक, टीवी, दीवान, अलमारी, राशन, पैसे व कपड़े जले। वाड़ी पुलिस स्टेशन अंतर्गत आने वाले वर्धामना स्थित वार्ड नंबर 5 के एक मकान को सोमवार को आग लगने से हड़कंप मच गया। आग में 50,000 रुपयों का घरगुती सामान, पूरा घर, अंदाजन 2.5 लाख रुपयों की संपत्ति जलने की जानकारी मिली है। प्राप्त जानकारी के अनुसार वार्ड क्रमांक 5 निवासी रविंद्र उइके के घर में दिया जलाया गया था। घर में दिया लगाकर अपने अपने काम पर पति पत्नी चले गए, बच्चे भी घर से बाहर चले गए। रविंद्र उइके मजदूरी का काम करते हैं, उनकी पत्नी एक निजी कंपनी में काम करती है, दोनों अपने अपने काम पर गए। घर जलने की जानकारी पड़ोसी महिला ने रविंद्र के पत्नी को दी। पत्नी घर आने तक पूरा घर जलकर खाक हुआ। घर में रखा सामान, टीवी, दीवान, अलमारी, अनाज, कपड़े सभी जलकर खाक हो गए। मकान मिलाकर जिसमें करीबन 2.5 लाख का नुकसान होने का अनुमान लगाया गया। घटना की जानकारी मिलते ही वाड़ी नगर परिषद अग्निशमक दल मौके पर पहुंचकर आग को काबू पा लिया। पड़ोस के नागरिकों ने भी आग बुझाने में मदद की। इस आग की जानकारी मिलते ही ग्राम पंचायत सचिव हरिभाव लोहे, तलाठी विजय मर्जीवे, ग्राम पंचायत सदस्य विलास कासुरे घटनास्थल पर पहुंचे, पंचनामा किया। लोहे ने परिवार को तुरंत धान्य कीट वितरित की। या 5 नंबर वार्ड मध्ये राहणारा रवींद्र उके यांच्या घरी सकाळी 10 ते 10:30 वाजता आग लागली। आजूबाजूला सिलेंडर फाटण्याच्या व्यवस्थित होतं, पण ते काही लोकांनी मदत केली, ते सिलेंडर काढलं, त्यांचं नुकसान भरपूर प्रमाणात झालं। गरीब आहे, मोल मजुरीवाले आहे, 2.5 ते 3 लाख रुपये यांचं नुकसान झालेलं दिसत आहे। यांना मदत मिळावी यासाठी सर्व मी प्रयत्न करणार। इथे असा कॉल आला आहे की इथे घराला आग लागली आहे बा म्हणून आम्ही तरी तसं निर्देशानुसार शिलाड सरला फोन केला, त्यांनी आम्हाला कारवाई करण्याचे आदेश दिले। तसं आम्ही इथं आलो आणि बघितलं की इथे आग लागली होती। सध्या तिथे आता अंदाजे आपण सांगू नाही शकत की किती माल जळला आहे म्हणून, तसे साधारण 1 ते 1.5 लाखापर्यंत होऊ शकते। आम्ही येऊन इथे अंगार विजवली आणि लोकांना प्रतिसाद दिला आम्हाला थोडा, त्याचा आम्ही धन्यवाद मानतो। कामं केल्याच्या नंतर आंघोळी केली, पूजा पाठ केली, जेवण केलं, डबा बांधला आणि कामाला गेली। त्यानंतर कामाला गेल्याच्या नंतर मी कामच करत होते, तर साहेबांनी सांगितलं की तुमच्या घराजवळून फोन आला आहे, कविता कडल्यांनी सुनील भिलकरने फोन केला असेल, त्यांनी सांगितलं की तुमचा फोन आला आहे, तुम्ही घरी जा, तुमचं घर जळलं आहे म्हणून। तशीच मी धावत आली, मला वाटलं सिलेंडरने जळलं, कसं जळलं, नुकसान पूर्ण झालं, जे जिंदगीचं सगळंच होतं ते झालं पूर्ण, धान्य, पैसे सगळंच। ग्रामपंचायतला मांग करून तर थकलं सर, आता इतले वर्ष झाले नाही त्यांनी घरकुल दिलं, सासऱ्यांनी बी घरकुल नावी नाही करून दिलं, डोंगरभर पाणी। ग्राम पंचायत की ओर से कुछ आर्थिक मदद देने की घोषणा भी सचिव हरिभाव लोहे इन्होंने इनबीसीएन से बातचीत में की है। घर का पंचनामा कर रिपोर्ट तहसीलदार को भेजी जाएगी, वहां से घर वालों को सरकारी आर्थिक मदद भी मिल सकती है। घर का पूरा सामान जलने से उनके परिवार बेघर हो गया है। इन परिवार के लिए सामाजिक हाथ आगे बढ़े तो परिवार को कुछ राहत मिल सकती है। इनबीसीएन न्यूज के लिए वाड़ी से सुनील शेट्टी के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट।